नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को अपने दम पर मजबूती देने के ख्याल से हर जिले में जनता दल यूनाइटेड का सांगठनिक चुनाव कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर के कुल 21 में से 19 प्रखंड अध्यक्ष, सभी 10 विधानसभा से 10 राज्य परिषद सदस्य का चुनाव कराया गया। जिला अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को सिर्फ एक प्रत्याशी अश्वमेध देवी ने ही पर्चा दाखिल किया था, इसलिए शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजय यादव और चुनाव पर्यवेक्षक नर्मदेश्वर सिंह द्वारा उनके नाम की विधिवत घोषणा कर दी गई। अश्वमेध देवी पहले भी कल्याणपुर से विधायक और उजियारपुर लोकसभा से पहली सांसद रह चुकी है। बीते हुए 2 सांगठनिक वर्षों में भी यही जिलाध्यक्ष रही हैं। जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा के पूर्व पूरे समस्तीपुर जिले के जदयू के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर जदयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, विधायक रामबालक सिंह, जदयू के वरिष्ठ नेता दुर्गेश राय, जिला महासचिव प्रोफेसर तकी अख्तर, देवनाथ सिंह, दिलीप शाह, धर्मदेव सिंह कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। माननीय जिला अध्यक्ष अश्वमेध देवी जी चादर देकर स्वागत करेंगे। और माला माला लो। अब हमारे 2 अध्यक्ष आ गए हैं। एक केस नाम तो आप लोग सुने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग के सामने हम उनको आमंत्रित करें और उनका भी स्वागत। संगठन का चुनाव प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर से पूर्ण होकर के जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए हम लोग कल 13 तारीख को नामांकन पत्र लिया गया, जिसमें संपूर्ण जिला से मात्र एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ श्रीमती अश्वमेध देवी जी का। और सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आज श्रीमती अश्वमेध देवी निर्विरोध समस्तीपुर जिला घोषित की जाती है। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से इनका स्वागत करता हूं और अपने पर्यवेक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावें